नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और सभी का स्वागत है जय भारत जय हिंद। देखिए, एक तरफ जहां राजस्थान पुलिस को मुस्लिम समुदाय उनके पत्थरबाजी पे रोकने पे डंडे बरसा रहे हैं, घायल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर इस तरह की हिमाकत करते हैं, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उनका क्या हर्ष होता है। इस वीडियो में देखिए कि कैसे फैज़ान अहमद, मोहम्मद सदाब और वसीम, ये तीनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पुलिस वाले के साथ बाइक टच हो जाने पर जब उनके साथ मारापीटी शुरू की और पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की, दिन वो भी ईद का ही था, तो उसके बाद इन तीनों का क्या अंजाम हुआ। ये तीनों ईमान वाले भूल गए कि यहाँ यूपी है और यूपी में योगी राज है। यहाँ इस तरह के जो ज़बरदस्तियाँ हैं, पत्थरबाजियाँ हैं, वो चलती नहीं हैं। यहाँ संविधान और धाराओं जो है वो प्रॉपर रूप से काम करती हैं। प्रशासन को पूरी छूट है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए। और यहाँ पे संविधान और धाराएं बाद में देखी जाती हैं, पहले उस गुंडागर्दी का इलाज किया जाता है। और इलाज जब किया जाता है तो चाल इस तरह से कुछ बिगड़ जाती है। इस वीडियो में देखिए, पहले तो तीन लोगों का पुलिस वालों ने खूब बढ़िया से इलाज किया, उन्हें ईदी इनाम में दी, और उसके बाद तशरीफ की इतनी स्वागत की गई कि उसका अलाइनमेंट भी ठीक कर दिया गया कि ताकि बैठने में आपको सहूलियत हो। उसके बाद NSA सहित 8 गंभीर धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया। बाबा जी ऐसे ही मई नहीं बोलते हैं कि हम मई जून में भी उत्तर प्रदेश में शिमला की ठंडक को दिखाना जानते हैं। तो ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये गुंडागर्दी नहीं चलती है भाई साहब। ये भाईचारे के नाम पर और ईद के नाम पर पत्थरबाजी और डंडेबाजी नहीं चलती है यहाँ। यहाँ शांति से ईद मनाई जाती है, सड़कों पे नमाज नहीं होता, बल्कि ईद की सेवैयों की खुशबू हर तरफ फैलाई जाती है, और होना भी यही चाहिए। त्यौहार का जो खूबसूरती है, उसका जो सौहार्द है, उसकी जो खुशियाँ हैं, वो बनी रहनी चाहिए। और गुंडागर्दी के करते हुए अगर कोई इसके स्वाद को ख़राब करने की कोशिश करे तो उसका इलाज भी इसी तरह से करना चाहिए। तो ये फ़र्क है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, और यही फ़र्क है राहुल गांधी के कांग्रेस और शायद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ में। बहरहाल, कानून व्यवस्था को गुंडागर्दी के खिलाफ ज़बरदस्त रूप से काम करना चाहिए, तभी समाज में शांति स्थापित होती है, वरना सड़कों पे पत्थरबाजी तो आम हो ही जाती है, लोगों के बीच की भाईचारे भी खत्म हो जाती है। राजनीति और सत्ता में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि समाज की सुरक्षा करना और वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करना उस सत्ताधारी पार्टी और सत्ता पे बैठे उन्हीं लोगों का भी ड्यूटी भी है, और सुरक्षित रहना वहाँ के नागरिकों का अधिकार। जय हिंद जय भारत। तो मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने जो हमारे चैनल को के रिपोर्ट्स को किस तरह से देखते हैं, ज़रूर लिखिए है।